जादुई लिपस्टिक का झरना। बहुत समय पहले की बात है, केशवपुर गांव में रमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो रोजाना अपने सहेलियों के साथ अपने गांव के झरने पर नहाने जाया करती थी। लेकिन रमा अपनी बाकी सहेलियों से थोड़ी कम सुंदर थी। रमा के चेहरे पर काफी दाग थे और वो थोड़ी सांवली थी। वो रोजाना अपनी सहेलियों के साथ झरने में जाकर नहाया करती थी और खूब मस्ती किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रमा को उसे झरने के पास एक लड़का नजर आया। वो लड़का बहुत ही मनमोहक लग रहा था। रमा उसे छुप छुप कर देख रही थी। उसे ऐसा करता हुआ देख उसकी सहेली श्रुति देख लेती है। उसके बाद वो रमा का बहुत मजाक बनाती है। रमा, क्या तुम उस सुंदर युवक को देख रही हो? लेकिन क्यों? क्या तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो? कितना सुंदर है वो। वो तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है, क्योंकि मैं दूध वाली आइसक्रीम हूँ और तुम ब्लैक चॉकलेट। नहीं, मैं तो उसे बस ऐसे ही देख रही थी। उस दिन के बाद से रमा रोजाना उस लड़की को झरने के किनारे देखती थी। वो रोजाना मछलियाँ पकड़ने आया करता था। ये नौजवान युवक मुझे कितना मनमोहक लगता है, क्यों ना मैं जाकर इससे अपने दिल की बात कह दूँ? उस लड़के को अपने दिल की बात बताने का फैसला करके रमा बहुत हिम्मत जुटाकर उस लड़के के पास जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, कहिए। उस लड़के की आवाज़ सुनकर रमा अपना मन बदल लेती है। मैं आपको रोजाना देखती हूँ, आप यहाँ रोज मछलियाँ पकड़ने आते हो ना? हाँ, आजकल मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है, और तुम्हारा? मेरा नाम रमा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुनते ही रमा खुश हो जाती है। तभी वो युवक कहता है, हाँ, मेरा इस गांव में कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तुम पहली लड़की हो जिससे मैं अभी तक बात कर रहा हूँ। हाँ, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। रमा बस पूरी रात आकाश के बारे में सोचती रहती है। वो मेरी काली सूरत देखकर मुझसे दोस्ती क्यों करेगा? लेकिन हम दोस्त हैं, उसने ही तो कहा, अब मुझे क्या चाहिए। उस दिन के बाद से आकाश और रमा का साथ बढ़ने लगा। वो दोनों एक साथ पूरे गांव में घूमते थे, लेकिन उन दोनों की नजदीकियां श्रुति की आंखों में खटक रही थी। आजकल ये रमा इस सुंदर युवक के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रही है। एक दिन श्रुति रमा से कहती है, क्यों रमा, तेरा और उसका कुछ चल रहा है क्या? वो बहुत अच्छा है श्रुति, हम अभी सिर्फ दोस्त हैं। तो जाकर उसे अपने मन की बात बता देना। श्रुति मन ही मन सोचती है, वो इस काली भैंस के दिल की बात सुनकर इसके आसपास भी नहीं भटकेगा। ये सोचती हुई श्रुति रमा को उस लड़के से अपने दिल की बात कहने के लिए जिद करती है। तुम कहती हो तो मैं आकाश से अपने दिल की बात कहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है श्रुति, तुम भी मेरे साथ चलोगी? श्रुति मन ही मन सोचती है, अगर मैं साथ नहीं गई तो मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा? उसके बाद रमा श्रुति के साथ आकाश के पास जाकर कहती है, वो आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना रमा, आकाश को देखो, वो कितना गोरा है, कितना सुंदर है, तुम उसके योग्य नहीं हो। ये सुनते ही आकाश को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम मुझसे क्या कहने आई थी रमा? यही कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम सही कहती हो श्रुति कि रमा मेरी योग्य नहीं है। मैं तो बस यही बोलना चाहती थी आकाश, कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल मेरी तरह। क्यों नहीं? और तुम आज के बाद मुझे अपनी काली कलूटी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर श्रुति और आकाश वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर रमा के दिल पर क्या बीती ये कोई नहीं सोचता। पर में ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने एक ही पल में अपने दो दोस्त खो दिए। क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? इतना कहते हुए रमा दौड़ती हुई झरने के पास जाती है। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं झरने में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मैं सुंदर नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे दोस्ती तोड़ कर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे इतना भरा बुरा बोलने की क्या जरूरत थी? श्रुति और आकाश एक ही बार में मेरे दोनों दोस्त मुझसे दूर चले गए। रमा झरने में कूदने ही वाली थी, इतने में झरने से एक आवाज आती है। मुझ में क्यों कूदना चाहती हो, पागल हो गई हो क्या? अगर नहाने का इतना ही शौक है
तो अपने झरने में जाकर नहाओ। क्या कहा, अपने झरने में जाकर? लेकिन ये तो वही झरना है जहाँ हम रोज नहाते हैं। नहीं, अपने पीछे देखो। उसके बाद रमा अपने पीछे देखती है। रमा पीछे देखते ही वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस झरने में रमा रोजाना नहाती थी वो झरना उसके पीछे था, और जिस झरने में रमा कूदने जा रही थी वो झरना दूसरा झरना था। रमा उस झरने से बहुत ही हैरानी से पूछती है, झरना क्या तुम हमेशा से यही हो? लेकिन आज तक हमें दिखाई क्यों नहीं दी, और कभी हमसे बात क्यों नहीं की? हम तो रोज यहाँ आते हैं। मैं इतनी आसानी से किसी को भी नहीं दिखाई देता। लगता है कि तुम सच में बहुत दुखी हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। ऐसे झरने में आकर कूद जाना ये तो समझदारी नहीं है। मैं समझदार हूँ, बहुत समझदार हूँ, लेकिन वक्त के आगे मैंने भी घुटने टेक दिए। तभी वो झरना रमा को एक जादुई लिपस्टिक देता है। इसे रख लो अपने पास, और आज के बाद किसी भी झरने की ओर आँख उठाकर भी मत देखना। मेरा मतलब है, अगर कूदने का मन हो तो आँख उठाकर भी मत देखना। इतना बोलकर वो झरना वहाँ से गायब हो जाता है। झरना कहाँ गायब हो गया? कोई बात नहीं, आप मुझे ये जादुई लिपस्टिक देकर गए हो, देखते हैं ये लिपस्टिक क्या कमाल दिखाती है। इतना बोलकर रमा उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है। लिपस्टिक लगाने के बाद रमा खुद को झरने के पानी में अपनी छवि में देखती है। मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। मैं इतनी गोरी और अति सुंदर कैसे हो गई? लगता है ये सब झरने की जादुई लिपस्टिक की वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया झरना महाराज। रमा का ये बदला हुआ रूप देखकर रमा के सभी दोस्त हैरान थे। अब रमा को कभी भी अपने दोस्तों के बीच अपनी सूरत को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़का सर झुकाए बैठा हुआ दिखा। दिखने में वो बहुत हताश और दुखी लग रहा था। रमा उससे जाकर कहती है, दुखी क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? तभी वो लड़का अपनी नजरें उठाकर रमा को देखता है, और देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़का आकाश था। क्या तुम रमा हो? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस पेड़ के नीचे अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मैं क्या बताऊँ रमा, मैंने तुमसे उस दिन जो भी कुछ कहा मुझे उसका बहुत अफसोस है। मुझे अपने कहे हुए वचनों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया होता तो आज मैं बहुत खुश होता, क्योंकि श्रुति मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। ओह अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ रमा, प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, मुझे माफ करना आकाश, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम आज परेशान हो, कल तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन उस दिन मैं तुम्हारी बातें सुनकर मरने जा रही थी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं अपने सपने की ओर बढ़ रही हूँ। उस दिन के बाद से रमा अपना गांव छोड़कर शहर की ओर मॉडलिंग करने निकल पड़ती है, और देखते ही देखते कामयाब मॉडल बन जाती है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि किसी को भी कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, वक्त सबका बदलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे जोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।